गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदू मैरिज रजिस्ट्रेशन एंड द लीगल प्रोसीजर विच इज इन्वॉल्व्ड। अगर हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज की, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि वो कौन सा सेक्शन है जो बात करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज। सो दैट इज सेक्शन 8 विच टॉक्स अबाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज। एंड इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट के पास सारे रूल मेकिंग एंड प्रोसीजर मेकिंग पावर है। इसका मतलब हर स्टेट अपनी स्टेट में इंटरनल लॉज बना सकती हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज से रिलेटेड। अगर हम बात करें लैंडमार्क जजमेंट की, तो वो लैंडमार्क जजमेंट है सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार। एंड यही वो जजमेंट है जिसमें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज की बात की गई थी। अगर मैं बात करूं कि इस जजमेंट के पीछे क्या बेसिक रीजनिंग है, तो दो तरह की बेसिक रीजनिंग थी। पहला, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज। दूसरा, वो सारे लोग जो इंडिया में मैरिज करते हैं और यहाँ से अब्रॉड चले जाते हैं, तो उनकी मैरिज वहाँ पे लीगली वैलिड नहीं मानी जाती, इसलिए उनको यहाँ पे अपनी मैरिज को रजिस्टर करवाना मैंडेट होता है। अब हम बात करेंगे वेयर टू गेट योर मैरिज रजिस्टर्ड। मैरिज आपकी रजिस्टर होती है सब रजिस्ट्रार ऑफिस में या निगम ऑफिस में। प्लेस की अगर हम बात करें, तो प्लेस या तो ग्रूम की रेजिडेंस या ब्राइड की रेजिडेंस या वो जगह जहां पे आपकी मैरिज परफॉर्म हुई होती है। फॉर एग्जांपल, अगर ग्रूम मुंबई महाराष्ट्र से है, ब्राइड दिल्ली से है और मैरिज परफॉर्म हुई है गुरुग्राम हरियाणा में, तो उस केस में मैरिज रजिस्टर मुंबई में भी हो सकती है, दिल्ली में भी हो सकती है और गुरुग्राम में भी हो सकती है, जैसा पार्टी सही समझे। अब हम बात करेंगे मैरिज रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर की। अगर मैरिज रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस की बात करें, प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर्म परचेज करना होता है। जनरली इस फॉर्म की कॉस्ट 10 रुपीज होती है, पर ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। इसके बाद ग्रूम एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट कराता है। ग्रूम को अपनी डेट ऑफ बर्थ के लिए या तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, टीसी या पासपोर्ट में से कोई एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है। ग्रूम के पेरेंट्स की आईडी प्रूफ लगता है, जिसमें वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल या इनमें से कुछ दिया जा सकता है। ब्राइड का एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है और ब्राइड की डेट ऑफ बर्थ की डिक्लेरेशन के लिए जिस तरीके से ग्रूम के जो डॉक्यूमेंट्स थे, उनमें से कोई एक आपको ब्राइड की साइड से भी देना होता है। अगर मैं और डॉक्यूमेंट्स की बात करूं, तो ब्राइड के पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट लगते हैं। डॉक्यूमेंट में वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, डीएल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट बोथ फादर या मदर दोनों की साइड से एक एक डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना पड़ता है। पंडित का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ एज अ एफिडेविट आपको सबमिट करना पड़ता है, यानी जिस पंडित ने आपकी मैरिज परफॉर्म कराई थी उसकी साइड से एक शपथ पत्र सबमिट होगा और उसमें पंडित की साइड से उसका वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार, डीएल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कुछ भी एज अ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपको अटैच करना होगा। मैरिज कार्ड की एक जेरोक्स कॉपी। इन केस आपने मैरिज कार्ड नहीं प्रिंट करवाया है, तो अगर कोई ई कार्ड है तो उसकी जेरोक्स कॉपी भी वैलिड होगी। कपल का एक माला एक्सचेंज करते हुए एक फोटो आपको साथ में प्रोसेस में इंक्लूड करते हुए सबमिट करना पड़ता है। इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ कपल को अपना एक कंबाइंड फोटो देना होता है। जनरली ये कंबाइंड फोटो वाइट बैकग्राउंड पर होता है। कपल को अपने अपने आधार कार्ड की जीरोक्स कॉपी भी सबमिट करनी होती है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अगर मैं सेक्शन 8 हिंदू मैरिज एक्ट की बात करता हूँ, तो ये स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है रूल्स, रेगुलेशन और लॉ क्रिएशन की। इसका मतलब हर स्टेट में मैरिज रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्लाइट डिफरेंट होता है, पर मोर और लेस आपको ये सारे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं अगर आपको अपनी मैरिज रजिस्टर करानी है किसी भी स्टेट में। आई होप
आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके मैरिज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को ये ईज आउट करने में हेल्प करेगा। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम फ्यूचर में ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।